सो हेलो, वेलकम बैक विद मिस नोवन अगेन। टुडे इज 16th ऑफ मार्च एंड हम लोग जो इवेंट के लिए यहाँ पे आया था मैचुका पे, तो वो अब स्टार्ट होने वाला है एंड यू कैन सी द क्राउड बिहाइंड मी। सो ये मैचुका का मेन मार्केट एरिया है और अभी ये सुबह का 8 बजे है, दैट्स वाई अभी तो मार्केट खुला नहीं है। अगर खुला तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इसका कुछ नज़ारा, बट इस पर भी अभी भी स्टिल जगह इज सो ब्यूटीफुल कि बहुत ही साफ सुथरा है जैसा कि मैंने सोचा था। तो चलिए आगे का कवर करते हैं हम। सो हियर आर द पार्टिसिपेंट्स, यू कैन सी माय लेग, हाउ बुलशिट माय लेग इज। दीज आर द पार्टिसिपेंट्स, सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करो। पार्टिसिपेंट्स लाइन अप बिहाइंड मी, सो कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको इसकी कुछ झलक ज़रूर दिखाऊंगी। रास्ते भर हम इनका पीछा करेंगे। चलो, कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को? चलिए बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, बताइए कैसा लग रहा है। So participants, how is the josh? Very high. Once again, how is the josh? Very high. That's good. I'll see you in the evening. All the best, guys, and for me, you guys are great. You guys will rock, and all the best. Thank you. So the participants have left the starting point. So हम अभी उनका पीछा करते हैं, चलिए। So हम लोग अभी participants का पीछा कर रहे हैं और हम हैं सांगे सर के साथ। सांगे सर को मेरा इंचार्ज दिया है, वही बोलेगा आज के लिए संगे सर इज माय पार्टनर। सो हम चलिए बाय रोड हम उनका पीछा कर रहे हैं, जितने भी फुटेज मिलेंगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। चलिए हम बने रहे हमारे साथ। सो हमें हमारा पहला राइडर मिलते हुए और अभी इन्हें बहुत ज़्यादा बहुत माउंटेन्स पे भी चढ़ना है इन्हें। पहाड़। ओके, दिस इज सलमान पॉइंट। सो द प्लेस बिहाइंड मी इज सलमान पॉइंट। यहाँ पे सलमान खान ने आके नाश्ता किया था जैसा कि मुझे पता चला, और जहाँ जब साइकिलिंग की शुरुआत हुई थी यहाँ मैचुका में, तो सलमान खान जी ने यहाँ आकर शुरुआत की थी, वही बोल सकते हैं हम। और ये जो रूट्स हम दिखा रहे हैं इसी पे वो गए थे साइकिलिंग करते हुए, और मैं आपको और आगे बहुत सारी चीज जगह दिखाऊंगी। और अभी भी जितनी भी मैं यहाँ से आई हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है। अगर कहीं हेवन है तो मैं कहूंगी यही है। सो इट्स दार्जिलिंग, और ये रूट है जहाँ से साइकिलिस्ट वहाँ पे हो गया राइडर्स हैं जो यहाँ से होते हुए जाएंगे, और आई गेस उस पहाड़ से ऐसा घूम के आएंगे। 8 बजे स्टार्ट हुआ तो उन्हें टाइम दिया गया है, टाइम लिमिट बॉयज़ के लिए है 2 बजे और गर्ल्स के लिए 3 बजे। ओके, दैट्स द रूट। अभी इन्हें पहाड़ चढ़ना है। लेट मी गिव यू अ
quick view of the place. ये देखो पीछे. The beauty here is so mesmerizing. आज लीली मैं ज़्यादा इंग्लिश पकड़े कैसे. ये हमारे वन ऑफ द राइडर एंड ऑल्सो वॉलंटियर जो इन्हें रास्ता नहीं भटकने में हेल्प कर रहे हैं. सो मैं यहाँ से वापस जाऊंगी और मैं बाई रोड जाऊंगी, तो जितने भी बीच में आएंगे मैं उन्हें कवर करूंगी आपके लिए. हमारा ड्रोन वाला तो वो आगे चला गया होगा क्या? हाँ ऊपर गया होगा. ओ यहाँ है ना ब्रिज जो दिखाया था ना. हाँ यहाँ एक ब्रिज है छोटा सा. वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है जो ये है आपका रूट पता गया, अभी उनको वापस बुला रहा है. ओके फिर वो कहीं जा रहा है. हाँ भी है क्या? हाँ दैट येलो टी शर्ट वन. ओ वो होगा केल्विन उसका नाम. ओ हाँ तो बाप जूम करेगा. वो देखो चार राइडर सबसे पहला. वेरी वेरी फार अवे. एक्चुअली इट्स दिस फार अवे और हम यहाँ पे है. देखो इतनी दूर है. देखो दे आर मूविंग. चलो ये मेरे साथ यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि हम लोग जगह जगह जा जाके कवर कर रहे हैं. सो हम मेरा वॉलंटियर्स से जानना चाहेगा कि आप लोग मतलब ये जो राइडर्स हैं ना उन लोगों का जोश आप लोग देख के कैसा लग रहा है. ये भी नहीं कुछ भी आप लोग जो फील करते हैं बोल दीजिए. अच्छा है. और आप लोग फर्दर मतलब दूसरा लोग को कुछ बोलना चाहेगा, मैसेज देना चाहेगा ऑडियंस को? अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था. माउंटेन्स में चढ़ के कितना मजा आया? साइकिल साथ नहीं गया. कुछ नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. ओ हमारा नेक्स्ट राइडर कौन है? ये हमारा आशिका साइकिलिंग क्लब का मेंबर है. हां अभी फिफ्थ पोजीशन में आ रहा है. सो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आधा मरा हो गया. आप लोग ने बहुत ही ज्यादा टफ रास्ता पार किया है. हैट्स ऑफ टू यू गाइस. यस
एंड ओके देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो नाउ यू गाइस आर कंफर्टेबल ना तो सुबह यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं से वापस आएगा, जाते समय सब यहीं से किया था इस ये रूट से, एंड अभी आते समय यहाँ से आएंगे। सो डियर वॉलंटियर्स, अब तक कितने आ चुके हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। सो उनका जोश देखकर आपको कैसा लगा? हमें भी जोश आया एकदम, आप भी एकदम जोश जोश के साथ बैठे हो ना यहाँ पे। चलिए अब मेरे साथ है द फर्स्ट एंड द थर्ड हु हैव फिनिश्ड दिस रेस। सेकंड जो है वो रेस्ट करने चले गए हैं, तो आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हेलो, मैं तजिंद्र, मैं अभी मेचुका में हूँ, मेरा अपना घर में होम टाउन। तो फर्स्ट टाइम ये सेकेंड एडिशन MTB मेचुका, तो अभी मैं मेचुका में हूँ। तो आज का रेस काफ़ी अच्छा रहा, तो आज का रेस ऐसे रूट ये छोड़ दें मेचुका टाउन मेन टाउन होके यहाँ से अब ये बुमजुफांग ब्रिज होके गया, फिर बुमजुफांग से सेकर सेकर होके फिर उसका बाद चोकरफू चोकरफू होके कैमरोंग निकला, कैमरोंग से मेचुका ला। तो रूट ऐसे था कि मतलब कम से कम 30% बुक के जाना पड़ा, तो वैसे चैलेंजिंग तो कम्पीट करना बहुत बड़ा बात है। हाँ, और पार्टिसिपेंट हर और जीत तो वो मायने नहीं रखते, पार्टिसिपेंट सबसे बड़ा बात है। और एक्सपीरियंस हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी पार्टिसिपेंट राइडर लोग है बहुत अच्छा लगा, खास करके मेरा ये दोस्त मेरा महाराष्ट्र से है विट्ठल भोसले। तो लास्ट टाइम दार्जिलिंग रेस में भी मिला, और उसके बाद नेशनल ये कर्नाटका गटक में, फिर उसके बाद रोड नेशनल पानवेल में। तो मैं अरुणाचल से पास रिप्रेजेंट रोड साइक्लिस्ट में पास अरुणाचल से मैं गया था, तो मैं इकला लौटा, मैं इकला गया था, लेकिन अभी तक रिकमेंड नहीं किया अरुणाचल में, अरुणाचल में रिकमेंड नहीं किया है, अननोन है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी रिकमेंड हो, मतलब लोग पहचाने इनको। थैंक यू। और डिटेल से भी कुछ हाँ, और आपका पोजीशन बता दीजिए कि आप कितने नंबर पे आए हो। मेरा नाम विट्ठल भोसले, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम है मेचुका में। बहुत सुना था कि मेचुका बहुत दूर है इनसे, बहुत ब्यूटीफुल है, और वैसे मुझे रेस की वजह से चांस मिला यहाँ पे आने का। और रेस के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये बहुत ही टफ था, खासकर जो बाइक एंड हाइक सेक्शन था जहाँ पे राइडेबल नहीं था बिल्कुल भी, आपको साइकिल उठा के पूरा एक ऑलमोस्ट एक घंटा तक चलना था, तो वो पूरा ही चैलेंजिंग था। और थोड़ा सा मतलब लास्ट एक थोड़ा इंजरी होने के वजह से मुझे और भी टफ गया। हाँ, बस ये इंजर हो गए थे, फिर मैंने मैनेज किया कि कुछ हो सके उतना बेस्ट टाइम में रेस फिनिश करने का, और पोडियम फिनिश मैंने थर्ड रैंक पे फिनिश किया है। सो आई एम हैप्पी, एंड जो व्यू देख एक बार ही मैंने सिर्फ रेस में मुड़ कर देखा ऊपर से, उस वो जो व्यू था ना वैली का, ऑसम था, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था। यस, बहुत ही ज्यादा सुंदर। इट वाज ओवर यहाँ पे इतना दूर आके रेस करना। हाँ, ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र, वो भी जय महाराष्ट्र। अच्छा है ना, जय महाराष्ट्र। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ का पूरा डायरेक्शन दिया, मुझे तो इतना भी पता नहीं था क्योंकि ये यहाँ के नेटिव है, तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने डायरेक्शन भी बहुत अच्छे से बताया। मैंने तो जस्ट वीडियो में कैप्चर किया है, बट I haven't said anything because मुझे पता नहीं है,
मेरा भी फर्स्ट टाइम है, दैट्स व्हाई। एक चीज बोलना भूल गया जी, जो ऑर्गेनाइजर ये कमिटी है आवा और मिचका साइकिलिंग क्लब, तो उन सबको मैं थैंक्स बहुत ही शुक्रगुजार है, थैंक यू सो मच। उन लोग ने ऑर्गेनाइज इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, इतना अच्छा रेसिंग ऑर्गेनाइज किया, लगता है मेरा इंटरनेशनल में ये पहला हो गया इतना टॉप एक सीरीज। नहीं कहीं भी नहीं, मैंने भी आज तक का सबसे टॉप एक सीरीज खेला है। बट इट वॉज वर्थ इतना कि व्यू बोलो प्लेस बोलो इतना सुंदर है, एंड द चैलेंजेस, चैलेंजेस सबसे ज्यादा मैटर करता है कि नहीं। जितना ज्यादा चैलेंजेस होगा उतना ही अच्छा भी लगता है ना, कि उसके उसे पार करके ओवरकम करके। और हमारा मिचका में एक वो है, ये मिचका जो कहता है कि मतलब फिर आना मतलब मेहमान को मतलब फिर आना, मीन्स फिर आना मीन्स ना वो समय समय में सीजन सीजन में अपना रंग रूप को मतलब हमेशा दर्शाते है। विंटर में अलग पेस मतलब ना नज़ारा अलग से दिखाते है, फिर समर में अलग से, एटम में अलग से, स्प्रिंग में अलग से, और टूरिस्ट के लिए मतलब बेस्ट सीजन का कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, जस्ट एनी सीजन में आप आ सकते हो। तो वो अपना रंग रूप हमेशा बदलते रहते हैं, तो कहता है फिर आना मीन्स टूरिस्ट को फिर से। और यहाँ के लोग आपको नहीं बुलाएंगे, यहाँ जो जगह है सबसे पहले वही आपको बुलाएंगे, क्योंकि ये इतना सुंदर है। ओके थैंक यू, सी यू, चलिए थैंक यू। और बताओ सुंदर सुंदर लड़कियों, ये जो बाइकर्स है ना, इनका जोश देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनका जोश बहुत ही अच्छा है। क्या अगले साल आप भी ज्वाइन करना चाहोगे? Yeah, that's the spirit. Thank you so much. बोलो ना कुछ बोलिए ना, you were about to win ना? Yeah. जीतने वाला था, I'm in third position because of bad luck. कुछ नहीं होता है कि नहीं? वे वे वो हमारे पीछे जो एकदम पीछे से फर्स्ट है वो है मिस्टर इजम पादू। ओ सॉरी सॉरी, इजम पादू नहीं, इजम गादिल। हम उनके पीछे, हैट्स ऑफ टू देम, वो बाइसाइकिल से जा रहे हैं, स्टिल बहुत स्पीड है उनका, और हम गाड़ी से जा रहे हैं, स्टिल उन्हें पहुंच नहीं पा रहे थे, बट अभी पहुंच गए एकदम स्पीड बढ़ाने के बाद। देखिए देयर इज अ मैन बिहाइंड ड्राइविंग मी, एंड ऑल्सो थैंक्स टू हिम फॉर हेल्पिंग मी आउट। एंड जरा यहाँ के नज़ारे का भी मजा लीजिए एकदम। कहीं ऐसा करते करते मैं गिर ना जाऊं, बस ऐसे करने का चक्कर। वाह चमक रहा है कपड़ा का वजह से, साथ में चमकेगा। साथ में चमकेंगे हम। और वो ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनसे मुझे पता चला है कि कहीं उन्हें भी पता चला है कि वो जो वहाँ पे आप जो रेड फ्लावर्स देख रहे हो, उन्हें रिसर्चर्स ने ऐसा बताया है कि इससे जो कोरोना है वो क्योर हो सकता है। कहाँ तक साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है वी डोंट नो, बट वी आर जस्ट inform telling you guys. So now I have with me the director and executive member of Mechuka cycling club. So aiye hum unse jante hain ki unhone ye shuruaat kab ki thi. Chaliye sir, hame ye bataiye ki aapne iski shuruaat jo hai kab ki thi? Shuruaat humne last year 2021 ko first edition MTB Mechuka करवाया था, तो इन कोलाबोरेशन विद आबा अरुणाचल एडवेंचर बाइसिकलिंग क्लब एसोसिएशन के साथ हमने किया, और इस बार सेकेंड एडिशन चल रहा है। सेकेंड एडिशन में भी हमने आबा का शादी कोलाबरेट करके हमने अभी इवेंट को करवाया है। आज आपको देखा होगा बहुत सारा राइडर्स का मेहनत को, अभी स्टिल अभी रेस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, सब
ट्रेवल्स सेफली टाइमली अपना वो रेस कंप्लीट कर ले। सो हम जानना चाहेंगे कि फर्स्ट जब आप कुछ अच्छा काम स्टार्ट करते हो ना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आपको भी आए होंगे, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आप बता सकते हो कि आपने क्या क्या फेस किए? ऑब्स्टेकल एक्चुअली जो फर्स्ट एडिशन में जो हम लोग करने जा रहा था, तो उनका जो सिस्टम को हम लोग का साथ इतना ये नहीं था, इतना हम लोग एक्सपीरियंस नहीं था। तो थैंक्स फॉर ये हम थैंक्स करना चाहते हैं आवाज मेंबर्स को, तो आवा का साथ हम लोग काम करके तो हम लोग को भी थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हुआ है, तो स्टिल हम लोगों का साथ काम कर रहे हैं, तो इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और अभी आगे इनको भी हम लोग सोचेंगे और जरूर मतलब इसको नेक्स्ट एडिशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूर हम लोग ये सक्सेस कराने के लिए करेंगे हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का साथ में, और आबा को जरूर हम आबा को साथ में लेके चलेंगे। ओके सर, सिंस आप चुपचाप बैठे हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो हमारे फ्यूचर यूथ्स हैं ना, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे बाइसाइकिल को लेके? मैं जितना भी यहाँ पे, मेरा नाम दुर्जी है, जितना जो भी मतलब हम लोग यूथ का आगे बच्चा लोग जो आएगा वो सबको स्पोर्ट्स को ध्यान दीजिए, तो आगे आइए बाइसाइकिल चलाइए, तो आपका एनवायरनमेंट को लेके भी मोटिव है ना इसके ऊपर, तो उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो? देखिए एनवायरनमेंट में तो आप देखिए, जैसे आप ये स्कूटी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे, उसमें तो ऑब्वियसली आपका पोल्यूशन होता है। साइकिल ऐसा चीज़ है आपको बहुत तरह का आपको फायदा पहुँचाता है, फर्स्टली आपका मनी सेव होता है, सेव इन द सेंस आपका फ्यूल में खर्चा नहीं है, सेकेंडली आपका पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन आपका बिल्कुल आपका होगा नहीं, थर्डली आपको एक आपको एक्सरसाइज या आपका बॉडी मतलब ये फिजिकल वर्कआउट हो जाएगा, उससे आपका ये बहुत अच्छा मतलब एक्स्ट्रा ये वर्कआउट के लिए टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, आप साइकिलिंग करके कुछ काम भी कर सकता है, कुछ ट्रेवल भी कर सकते हैं कई जगह मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में, तो उसमें बहुत सारा मतलब ये आपका बेनिफिट्स है आप साइकिलिंग को ऑप्शन लेने के लिए, इंस्टेड ऑफ आप या स्कूटी या बाइक उसको लेके साइकिल एक बहुत अच्छा मेरा तरफ से एक ऑप्शन है, बस वही है। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू लिली। और हम आशा करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इनके जो मोटर बाइक साइकिलिंग है उनका जो मोटिव है उन्हें समझेंगे और आप भी उसे अप्लाई करोगे, और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये धरती है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट होते जा रहा है, तो आप इसमें अपना योगदान दे सकते हो बाइसाइकिल यूज़ करके। सो इतना ही बस।